तो हम बात करते हैं GTCS के नोड्स की, दैट इज जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर की बात करेंगे। इसको ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी बोलते हैं। सो एक तरह से स्टार्ट करते हैं यार, इसमें क्या होता है, एपिलेप्सी का फॉर्म है, सीजर्स तो आते हैं, बट ये कैसे बिगिन होता है? बिगिन विथ सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। बिगिन विद सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। प्री मॉनिटरी सिम्टम्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं यार? एब्डोमिनल पेन, नॉजिया, पाल्पिटेशंस, इक्टल फेस। इक्टल फेस मतलब ड्यूरिंग द सीजर्स क्या होता है, एक तो टोनिक फेज होता है, क्लोनिक फेज होता है। सो एक टोनिक कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है क्लोनिक कॉन्ट्रैक्शन। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है इट लास्ट फॉर अराउंड 10 to 15 seconds यार, एंड यहाँ पे जो टोन है वो बढ़ जाता है। एंड जो क्लोनिक फेस है इट लास्ट फॉर लेस देन 1 minute, है ना। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। और क्या होता है, तरह से झाग निकलता है, तो फ्रोदिंग देखने को मिलता है माउथ के अंदर। अगर हम टोनिक फेस की बात करें तो टोनिक फेस में क्या होगा, है ना, अपर लिम का फ्लेक्शन होगा, लोअर लिम का एक्सटेंशन होगा, है ना, जिससे क्या होता है डीकॉर्टिकुलेट पोस्चरिंग हो जाती है। ना और इसी टोनिक फेज में या फिर जो इक्टल फेज है वहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और जो एडेक्टर्स हैं लैरिंग्स के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे क्या बोल एक आवाज़ निकलती है, इसको बोलते हैं इक्टल क्राई। और क्या हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है यार, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाया ठीक से। सो ये हो गया ड्यूरिंग द इक्टल फेज। नाउ पोस्ट इक्टल फेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फ्लैसिडिटी देखने को मिलती है और अनकॉन्शियसनेस जो है उसकी वजह से हमारे पास कन्फ्यूजन भी देखने को मिलेगा यार, एंड एक तरह से ट्रांजिएंट हेडेक भी देखने को मिलता है। ओके, एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी देखने को मिलता है। अगर हम ईईजी कराएंगे, सो जो ईईजी है अगर हम करा रहे हैं ड्यूरिंग दी टोनिक फेज, ईजी अगर कराएंगे टोनिक फेस के अंदर, तो हमारे पास हाई एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा उसके अंदर, है ना, हाई एम्पलीट्यूड पॉली स्पाइक डिस्चार्ज। और क्लोनिक फेस के अंदर हमारे पास स्पाइक तो देखने को मिलेगा, लेकिन एक वेव पैटर्न होगा। दिस इज ऑल अबाउट द GTCS। ये एग्जाम में लिखना होता है यार, फालतू की चीज़ें थ्योरी लिख के नंबर नहीं मिलते, जो काम की चीज़ें उसको लिखने से नंबर मिलती है। और ये नो इसको बोलते हैं नोट्स, ठीक है ना, थ्योरी लिखने को नोट्स नहीं बोलते, पॉइंट वाइज चीज़ें होती है उसको बोलते हैं नोट्स। एक पेज के अंदर चीज़ें खत्म हो जाने को बोलते हैं नोट्स, ठीक है। सो GTCS की हमने बात की, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर की बात की, प्री मॉनिटरी सिम्टम्स की बात की, इक्टल फेज दैट इज ड्यूरिंग द सीजर्स, पोस्ट इक्टल फेज आफ्टर द सीजर, एंड ईईजी फाइंडिंग्स की बात की यार।